आज जस्ट कुक इट पे हम बनाएंगे कॉफी फॉर योर लव्ड वंस और उसके साथ गर्मा गर्म पालक आलू पकौड़े। पकौड़े एकदम क्रिस्पी कैसे बनाने हैं उसकी एक स्पेशल ट्रिक जो है वो हमने इस रेसिपी में शेयर करी है, तो पूरी रेसिपी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम एक कटोरी डालेंगे बेसन, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी कटा हुआ पालक। तो हमने पालक को जो है अच्छे से साफ कर लिया है और चॉप कर लिया है। अब साथ ही में डालेंगे एक स्लाइस किया हुआ या चॉप किया हुआ अनियन यानी प्याज, और इसी के साथ डालेंगे ग्रेट किया हुआ पटेटो यानी कि कद्दूकस कर रखा है हमने आलू को, और साथ में एक छोटी हरी मिर्च और कुछ धनिया के पत्ते। अब इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। साथ ही में डालेंगे एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच चाट मसाला पाउडर, और एक छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप मिर्च ज़्यादा नहीं पसंद करते तो रेड चिली फ्लेक्स अवॉइड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी जो है वो हमें धीरे धीरे करके डालना है, एक साथ नहीं डालना, क्योंकि हमें बहुत पतला बैटर नहीं बनाना है इसका। तो धीरे धीरे जो है हम इसमें पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे मिलाएंगे, तो जो हमारा ये जो घोल है वो हमने बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा रखा है, ज़्यादा पतला नहीं रखा है, वरना जो पकौड़े हैं ना वो क्रिस्पी नहीं बनते हैं। बिल्कुल क्रिस्पी पकौड़े बनाने की जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो है बिल्कुल गर्मा गर्म तेल जो है ना उसका एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे। इससे क्या होगा, जो पकौड़े हैं ना वो बिल्कुल बाजार जैसे क्रिस्पी रहेंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, इसमें गर्मा गर्म एक चम्मच तेल डाल देना है। इसे मिला लेंगे और अब जो गरम तेल है उसमें हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से हम बैटर को थोड़ा थोड़ा करके इसमें तेल में डालते रहेंगे। आप चाहे तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर डाल सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे और ये बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक इसे हम पकाएंगे। पकौड़ों का जो मज़ा है ना वो चाय या कॉफ़ी के साथ और ज़्यादा मज़ा आ जाता है खाने में इसको। तो ये रेसिपी एंड तक देखिएगा क्योंकि हम इसमें जो है कॉफ़ी की एक रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं साथ में। तो जैसे ही ये पकौड़ों की रेसिपी ख़त्म होगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे स्पेशल तरीके की कॉफ़ी बनाना। अभी अच्छे से जो हैं पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं, पक चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो एक चम्मच की मदद से और स्ट्रेनर की मदद से हम इसे छानेंगे, सारा तेल जो है इसमें से निकाल लेंगे और इसे तेल से बाहर निकालेंगे।
हम उनसे छान चुके हैं। इसी तरीके से जो बाकी का बचा हुआ बैटर है उसे भी हम इसी तरीके से पकौड़ों को पका लेंगे गर्मा गर्म तेल में। तेल जो है वो काफ़ी अच्छे से गर्म होना चाहिए और जो आँच है इसकी वो बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। तो बस इस तरीके से जो है क्रिस्पी पालक आलू पकौड़ा जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बनाते हैं हम कॉफ़ी फॉर आवर लव्ड वंस, जिसके अंदर एक हार्ट बना है। तो ये कैसे बनानी है? सबसे पहले कॉफ़ी बनाएंगे, जिसके लिए हम एक कप दूध को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच चीनी। चीनी की क्वांटिटी आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आए हम इसे अच्छे से जो है मिक्स कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर। अब इसे हमने जो है एक ब्लेंडर या हैंड बीटर की मदद से अच्छे से विस्क कर लेना है, बीट कर लेना है, ताकि जो कॉफी है उसके ऊपर अच्छी फ्रॉथ आ जाए। तो इसमें हम गैस जो है बिल्कुल हल्की रखेंगे और अच्छे से इसे बीट कर देंगे। कॉफ़ी बीट करने के बाद गैस को तेज़ कर देंगे और जैसे ही अच्छे से इस तरीके से बॉयल आ जाए, उसके अंदर उबाल आ जाए, तो हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने कप में। तो अब इसे कप में डालते हैं और ये ऊपर की झाग जो है फ्रॉथ है वो भी उस कप में ऊपर ऊपर आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम हार्ट बनाएंगे। तो हार्ट के लिए हम यहाँ पर टिश्यू पेपर ले रहे हैं और उसके अंदर हमने जो है हार्ट शेप कट कर ली है। तो आप चाहें तो कोई भी शेप जो है इस तरीके से कट कर सकते हैं। इसको हम प्लेस कर देंगे हमारे कप के ऊपर। टिश्यू पेपर कप से बड़ा होना चाहिए, वरना वो उसके अंदर ही डिप हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर डालना है कोको पाउडर। तो हम एक छन्नी की मदद से कोको पाउडर जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। सारी जगह कर दीजिएगा, जो हमारी शेप है उस तरीके से उस जगह पे आ जानी चाहिए ये। और जो टिश्यू पेपर है इसे हम बहुत आराम से जो है हटाएंगे, ताकि जो हमारी एक्स्ट्रा जो कोको पाउडर ऊपर गिर चुका है वो कॉफ़ी के अंदर ना चला जाए और हमारी शेप ना बिगड़ जाए। तो बस इसे हटाएंगे और देखिए कितना बढ़िया हार्ट जो है वो बनकर तैयार है। इंजॉय कीजिए इस कॉफ़ी को अपने लव्ड वंस के साथ। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जस्ट कुक इट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट जो है वो हमें ज़रूर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।